कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बड़े गेम प्लान की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लोकसभा भेजने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में तेलंगाना से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को तेलंगाना के मेडक से मैदान में उतारा जा सकता है। ये सीट कांग्रेस और प्रियंका गांधी के लिए इतनी खास क्यों है, इसे जानने से पहले आपको ये बता दें कि तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं का इस पर क्या कहना है। तेलंगाना की बेटी है प्रियंका गांधी। कांग्रेसी नेता अनंतुल्ला मदन मोहन का कहना है कि सोनिया गांधी जी को तेलंगाना में थाली यानी माता माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी जी ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे में योगदान दिया था और तेलंगाना का निर्माण हुआ था। इस तरह प्रियंका गांधी तेलंगाना की बेटी हुई। साथ ही राज्य के लोगों के बीच प्रियंका गांधी की जबरदस्त लोकप्रियता भी है। वहीं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी का मानना है कि प्रियंका गांधी मेदक के अलावा राज्य की किसी अन्य सीट को भी चुन सकती हैं और वो सीट हो सकती है महबूब नगर की। मेदक सीट का गांधी परिवार से खास कनेक्शन। तेलंगाना कांग्रेस परिवार के लिए नया राज्य नहीं है। 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने मेदक सीट से जीत हासिल की थी और सत्ता में वापसी की थी। 1980 का चुनाव इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल का चुनाव था। इससे पहले इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस 1977 का चुनाव बुरी तरह हारी थी। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव हार गई थी। 1980 में संयुक्त आंध्र की कुल 42 में से 21 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। राज्य के पार्टी काडर का मानना है प्रियंका गांधी के मेदक सीट से चुनाव लड़ने पर एक बार फिर करिश्मा हो सकता है। मेदक सीट का रिपोर्ट कार्ड। दरअसल मेदक लोकसभा सीट बीआरएस का गढ़ है। बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने 2009 में महबूब नगर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने मेदक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसी साल वो विधायक भी चुने गए थे और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में भी बीआरएस के प्रभाकर रेड्डी को जीत मिली। इसके साथ ही मेदक केसीआर का गृह जनपद भी है। पार्टी ने 2014 में मेदक संसदीय क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। 2018 में भी बीआरएस ने 6 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव पर असर। तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर ये घोषणा की जाती है कि प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव तेलंगाना से लड़ेंगी तो इसका असर वोटर पर पड़ सकता है और विधानसभा चुनाव में पार्टी तेलंगाना में और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।